2024 के रन के लिए बहुजन समाज पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी उत्तराखंड के बाद झारखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया गया। पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो हजार चौबीस के चुनावी महासमर के लिए सारे दलों ने कमर कस ली है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यूपी उत्तराखंड के बाद रविवार यानी 3 सितंबर को झारखंड के पदाधिकारियों की अहम बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन के विस्तार, बूथ गठन और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन हुआ। बीएसपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा, बीएसपी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी रखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बाद अब झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती व हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने तथा राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक संपन्न। इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लिखा, आदिवासी बाहुल्य झारखंड राज्य में भी कर्मठ, ईमानदार व मिशनरी लोगों को आगे करके पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान, क्योंकि ऐसे अम्बेडकरवादी लोगों की विरोधी पार्टियों द्वारा घोर अपेक्षा व तिरस्कार लगातार जारी, गठबंधन के भरोसे न रहे और अपने पैरों पर खुद खड़े हों। यूपी और उत्तराखंड के बाद झारखंड में बीएसपी 24 को लेकर